अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ देखने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। मेरे बच्चे अपने वालिद के बारे में पढ़ेंगे। चौथी क्लास की किताब में साबिक कप्तान सरफराज अहमद के ज़िंदगी पर मज़मून, जो अब तालिबे इल्म भी पढ़ा करेंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की ज़िंदगी पर मज़मून को अब चौथी जमात के तलबा उर्दू की किताब में पढ़ा करेंगे। सरफराज अहमद वो कौमी क्रिकेट टीम के मकबूल खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2017 में बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। इनका क्लास 4 के उर्दू निसाब की किताब में बायो शामिल कर दी गई है। सरफराज अहमद, जिनसे हर कोई वाकफियत रखता है और इनका शुमार बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बतौर कप्तान चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में बतौर कप्तान इंडिया को शिकस्त दी थी। क्रिकेटर की अहलिया खुशबख्त ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नहायत फ़ख्र के साथ क्लास 4 की उर्दू की किताब की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें सरफराज का बायो दिखाया गया है। इनकी अहलिया ने लिखा कि सिर्फ ये सोच कि मेरे बच्चे अपने दोस्तों और उस्ताद के साथ क्लास में अपने वालिद के बारे में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में उन्होंने अपने शौहर सरफराज अहमद को टैग भी किया, जिस पर उन्होंने लिखा है कि बेशक अल्लाह जिसे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। सरफराज का शुमार पाकिस्तान के क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कप्तानों में किया जाता है। वो 2 ICC की ट्रॉफीज जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में साल 2006 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम को फाइनल में फतह से हमकनार कराया था।